नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे शिक्षा व्यवस्था को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। वर्तमान परिस्थिति में विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई का जो माहौल है वो कितना नीचे जा चुका है, कितना बदतर हो चुका है, आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमारे शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है, यानी जो दर्शक हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो तो पीड़ित हैं और उनकी ये समस्या उनके निजी जीवन में प्रतिदिन देखने को मिलता है। लेकिन हाल ही में बीएचयू यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एक नोटिस ने इसको जाहिर भी कर दिया कि अभी हमारा ये शिक्षा नीति या पद्धति या पैटर्न कितना ज्यादा नीचे जा चुका है, और साथ ही साथ इसको देखने वाला, इसको रिव्यू करने वाला, इस पर विचार करने वाला कोई नहीं है। साथ ही साथ मैं भीसी महोदय से भी निवेदन करूंगा, आप इस वीडियो को देखें और थोड़ा हमारे विश्वविद्यालय पर एक नजर डालें। मैं निवेदन करूंगा यूजीसी चेयरमैन एमजी कुमार जी इस वीडियो को देखें और भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों पर एक बार रिव्यू करें। वो एक बार सोचें कि क्या कोविड के बच्चों का जीवन नहीं है, क्या कोविड के बच्चे स्वयं अपनी पढ़ाई कर लेंगे, अपनी डिग्री प्रिंट कर लेंगे, अपने लिए पैसे छापने वाली मशीन बना लेंगे, अपने लिए बिजनेस क्रिएट कर लेंगे, जॉब कर लेंगे, अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। यानी हमारी सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। सो कृपया विभिन्न प्रशासनिक विभाग के लोगों से निवेदन है, जो भी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं वो प्लीज इस वीडियो को देखें और इस पर विचार करें कि क्या जो बच्चे कोविड के दरमियान या उसके बाद कोविड से पीड़ित रहे, कोविड के इफेक्ट से प्रभावित रहे, इसका मतलब क्या वो अपनी पढ़ाई छोड़ दें, वो A4 साइज के पेपर पे अपनी डिग्री खुद प्रिंट कर दें और उसी का रिज्यूम बना के वो जाके जॉब ले लें। क्योंकि अभी इतना बुरा स्तर है, और सबसे बुरी बात बता रहा हूं, ये जो लोग भी प्रशासनिक लेवल पे बैठे हुए हैं, खासकर हमारे विश्वविद्यालय के VCs हैं, जितने भी बहुत सारे वो लोग अपने इसमें बैठा चुके हैं कि कोविड के बाद की दुनिया खत्म है। देखो, कोविड की वजह से नुकसान भारी हुआ, हर एक डिपार्टमेंट सेक्टर में हुआ देश के, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान लगातार हो रहा है बस उस कोविड के आड़ में, वो हो रहा है शिक्षा विभाग में। इस पे कोई ऑडिट नहीं है, कोई चेकआउट नहीं कर रहा है, कोई रिव्यू कमेटी नहीं है, बस कोविड है, कोविड की वजह से हो रहा है। क्योंकि इनके जो बच्चे होते हैं वो तो भारत में पढ़ते नहीं है, जनरली या तो विदेश में पढ़ते हैं या फिर खुद का कहीं अपना बनाया होंगे, पता नहीं कहां इनके बच्चे पढ़ते हैं कि इनके बच्चों को समस्या नहीं होती है। और हमारे, क्योंकि अगर इनके बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ते तो 100% बता रहा हूं कि हर कुछ बहुत ही प्रॉपर यूटिलाइज करते, हर एक चीजों को प्रॉपर वे में आगे ले जाते। लेकिन अब आते हैं इस नोटिस पे। अब इस नोटिस को आप लोग देखो, पहले ये नोटिस है कल का और ये बीएचयू का एक नोटिस है, और आप इसको ध्यान से देखो तो यहां लिखा हुआ है सेशन 2022 एंड 23, जबकि कोविड जा चुका है इस दरमियान, लेकिन ये लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड का असर इन बच्चों पे अभी भी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा आप देखो, हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं कि एक सेमेस्टर में 6 मंथ होता है, एक सेमेस्टर में कितने होते हैं, 6 मंथ होता है, यानी आपको एक सेमेस्टर में 6 महीने पढ़ाना है। मान लो 1 महीने छुट्टी में चला गया, 5 महीने पढ़ाने हैं, उसमें कई सारे क्रेडिट्स होते हैं जो कि टीचर को रिकमेंड किया जाता है, आप इतने आवर्स की क्लास इस चैप्टर के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए लीजिए। अभी हाल इतना बुरा है कि 6 मंथ को कन्वर्ट करके बना दिया गया 2 मंथ, 50% से भी नीचे, यानी आपको 60 दिन में पूरा सिलेबस कवर करना है, उसी में आपको सेशन कर लेना है, उसी में आपको यूनिट टेस्ट असाइनमेंट सबमिट कराना है और इसी में आपका सेमेस्टर एग्जाम भी कंडक्ट करा लेना है।
आपकी मार्क्स की एकदम खत्म करके रख देना है, आपकी डिग्री इतनी बदतर बना देनी है कि आपको कहीं दिखा मत देना। आप ये बोल रहे हमने यहां पे किया ही नहीं सबसे अच्छा, क्योंकि ये इस पढ़ाई का क्या मतलब है जिसको हम लोगों ने पढ़ाई नहीं है। भाई कुछ डिपार्टमेंट का तो ये हाल है कि उन्होंने अभी अपने उस सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू भी नहीं की है और दो दिन बाद उनका एग्जाम होने जा रहा है। आप यहां पर डेट देखो, 8 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, यहां पे 9 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। भाई ये कैसा व्यवस्था है? और जब आप एचओडी से पूछते हो या अपने टीचर से पूछते हो तो कहते हैं ऊपर से आदेश आया है। भाई तो इनको भी बोलना चाहिए कि भाई हम लोग तो पढ़ाई ही नहीं है, ऊपर के आदेश को कैसे फॉलो कर लोगे? कोई सोचा एक बार भी कि 2 साल का हमारा कोर्स किस तरीके से 2-2 महीने में निपटाया जा रहा है? एक बार सोचने वाली बात है कि ये 22-23 के बच्चे जो हैं एमए में या यूजी में, इनके ऊपर कितना प्रेशर डाला जाए, सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है। मान लो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के बच्चे अगर हो सकते हैं, जो बच्चे प्रैक्टिकल कोर्स के हैं, जो मैनेजमेंट के हैं, उनकी स्थिति तो और बदतर बना के रखती है आपको। और ये नोटिस बस एग्जाम के 3 दिन पहले यू फ्लैशबैक में दे रहे हैं, हां तुम्हारा एग्जाम आ गया। उन्हें सोचने का भी मौका नहीं, उन्हें रोने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो 1-2 दिन रोए कि ओ माय गॉड मेरा एग्जाम आ गया। जब तक रोएंगे तब तक सुबह उनका एग्जाम होगा। ये अभी करंट सिनेरियो में हमारे विश्वविद्यालय का लेवल है एग्जाम का, इस पर विचार होना चाहिए। मैं एक लिंक ट्विटर का डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो लोग भी पीड़ित हैं, जो कष्ट में हैं, जो दर्द में हैं, जिनको रोना आ रहा है, प्लीज वो लोग ट्विटर पे जाकर ट्वीट जरूर करें। मैं उम्मीद करता हूं प्रशासन इसको रिव्यू करे और अजय कुमार जी इसको स्पेशली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है भाई, एजुकेशन मिनिस्ट्री का तो पूरी बात ही छोड़ दो, उनका ट्विटर हैंडल तो रोज बस मोदी जी के पोस्ट से रिट्वीट होता है। कभी वो यहां दर्शन करने जाते हैं, कभी इस गायिका से मिलते हैं, और कुछ अगर वो अगर वो एजुकेशनल सेक्टर के ट्वीट करते भी है तो वो अपने नेटिव लैंग्वेज में करते हैं, वो भी इंग्लिश में नहीं करते, हिंदी बात ही छोड़ दो कि हमें समझ में आ जाए, साउथ इंडियन लैंग्वेज में करेंगे। भाई हमें ऐसे शिक्षा मिनिस्टर की क्या जरूरत जिनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। एवरी टाइम टॉकिंग अबाउट मोदीज कॉमेंट्स स्पीचेज ट्वीट्स, ये है हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री का स्थिति। वो तो एमजे कुमार जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ सीयूटी और बहुत सारे न्यू सेक्टर पे काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनके ट्विटर जब भी मैं ओपन कर रहा हूं 24 आवर्स में तो अपडेट मिलते रहते हैं, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ डूइंग समथिंग। लेकिन बाकी लोग की स्थिति यूं खराब है कि एकदम बर्बाद करके छोड़ो भाई, हमारा बच्चा तो यहां पढ़ता ही नहीं है, 12 बजे से बच्चे क्या कर लेंगे, फिर जाकर घर लौट जाएंगे। उनको क्या मतलब है कि एमए का बच्चा रिसर्च पे जाएगा, एमए का बच्चा प्रिपरेशन करेगा, एमए का बच्चा किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाएगा, यूपीएससी की प्रिपरेशन करेगा, इससे क्या मतलब है? ये तो चाहते ही हैं कि आप ना पढ़ो, ना लायक निकल जाओ, क्योंकि पढ़ लोगे तो आप सवाल करोगे, नहीं पढ़ोगे तो आप बूढ़े रहोगे, फिर आप बहरे भी हो जाओगे, फिर आपको दिखाई भी नहीं दोगा, अंधे भी हो जाओगे। तो ये आपको यही बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस 6 मंथ के पीरियड को कवर करने के लिए कोई एक आइडिया इनको निकालना चाहिए। भाई इन टीचरों को इतनी बड़ी सैलरी दे रहे हो, इनकी क्लासेस क्यों नहीं पढ़ा देते हैं आप? विश्वविद्यालय में इतने प्लेसेज हैं, क्लासेस भी आराम से चल सकती हैं, मैनेज करना चाहे आदमी तो हर कोई हर कुछ मैनेज हो सकता है, लेकिन आप खुद मैनेज नहीं करना चाहते हो, इवन आप लोग हाथ छुड़ाना चाहते हो, कोविड की आड़ में हर कुछ बर्बाद खुद करना चाहते हो, यह है सच्चाई। और ऐसे नहीं है कि हर एक प्रोफेसर इसमें इन्वॉल्व है, बहुत सारे अच्छे प्रोफेसर हैं जो पढ़ाना चाहते हैं और उनसे जब बातचीत होती है तो कहते भी हैं कि हम तो चाहते हैं, लेकिन बाकी लोग की वजह से वो भी प्रभावित हो रहे हैं और वो भी अच्छा नहीं कर सकते। सो प्लीज विनम्र निवेदन है बीएचयू के वीसी साहब से, यूसी के चेयरमैन एमजे कुमार जी से, बाकी विभिन्न विश्वविद्यालयों के वीसी से, हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री से, मोदी सर से, कि प्लीज शिक्षा पे बस बातें नहीं होनी चाहिए, शिक्षा पे काम भी होना चाहिए।
बस सोशल मीडिया पर नहीं दिखना चाहिए, ग्राउंड लेवल पर दिखना चाहिए, क्योंकि इतने कम समय में हम लोग अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट ना ही कर सकते हैं, ना ही उसके लिए हम लोग एग्जाम दे सकते हैं। और ये डिग्री जब हमें मिलेगी तो ये डिग्री मैं आपको आपके एड्रेस पे स्पीड पोस्ट कर दूंगा, आप अपने घर में इसको चिपका लेना, क्योंकि ये डिग्री मेरे किसी काम का नहीं है। यदि इसके ना ही मेरिट देखने लायक है, ना ही पढ़ाए गए सिलेबस से हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुछ सुधार होता है और उसका यूज करके हम लोग अपना भविष्य नहीं बना पाते हैं, तो सो प्लीज विनम्र निवेदन है कि जितने भी महाविद्वान महानुभाव प्रशासनिक लोग इससे जुड़े हुए हैं वो इस पे विचार करें, नहीं तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था चली जाएगी गटर में। और आप करते रहना दिन रात राजनीति। सो प्लीज जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक ग्रुप डिपार्टमेंट के अपने ऑफिशियल ग्रुप में डालो, जिससे उन्हें भी मानस पटल में खुले कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना है, ये कोई सरप्राइज, ऐसे सरप्राइज नहीं दिया जाता है, वैलेंटाइन का गिफ्ट बांट रहे हैं, हाँ भाई जाओ एग्जाम ले लो। सो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है, शेयर जरूर करें और अपना पूरा दुख दर्द